हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डन एंड नेचर्स लवर। मैं आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। सो आज हम बात करेंगे ब्राह्मी प्लांट के बारे में। ब्राह्मी प्लांट का साइंटिफिक नेम आपका बैकोपा मनेरी है, और ये जो प्लांट है इसको आयुर्वेद में सबसे ऊपर रखा जाता है, क्योंकि ये जो प्लांट है ये आपका दिमाग के लिए बहुत ही अच्छा साबित हुआ है। आपका बुद्धिवर्धक प्लांट भी इसको कहा जाता है। जो प्लांट है ये आपके दिमाग की शक्ति को बढ़ाता है, स्मरण शक्ति बढ़ाता है, आपके बुद्धि का विकास करता है। बच्चों के लिए पौधा बहुत ही लाभदायक होता है। जो छोटे बच्चे होते उनको अगर इसका रस पिलाया जाए सुबह शाम, तो ये बहुत ही लाभदायक होता है हेल्थ के लिए, बुद्धि के लिए। सो ये प्लांट आपको गवर्नमेंट नर्सरी में 20 रुपये करके मिल जाएगा। मैं वहीं से इसको लाई थी, 20 रुपये करके गवर्नमेंट नर्सरी में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगी कहाँ से लाना है इसका। ऑलरेडी मैं इसका एक वीडियो बना रखी हूँ हर्बल गार्डन का, तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो देखिए, इस प्लांट को मैं इस तरीके से लगा दे रही हूँ। इसमें सॉयल मिक्सर वगैरह तो उतना ज़्यादा इसमें नहीं होता है। एक्चुअली में ये जो पौधा होता है ना, वाटर एरिया में लगाया जाता है, जहाँ पर पानी दलदल टाइप का एरिया होता है, तो उस जगह पर ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। तो बट मैं इसको ऐसे जगह पे लगा रही हूँ, इसके गमले के नीचे का होल मैं थोड़ा कम ही की हूँ, क्योंकि जब पानी ज़्यादा होता है ना तो ये आपका बहुत अच्छे से ग्रो होता है। तो देखिए, ये दो ही पौधा लाई थी मैं, और ये इतना बढ़िया तरीके से ग्रो हो गया है, आप देख सकते हैं। ये 2 मंथ बाद का प्लांट है, जब मैं लगाई हूँ, लगाने के 2 महीने बाद का पौधा है, और आप देख सकते हैं। मैं बीच में एक बार हार्वेस्ट की हूँ इसका। आप कच्चे पत्तों का जूस बना के भी पी सकते हैं, इसका पाउडर बना के भी रख के बहुत टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। जैसे ऐसे पत्तों को तोड़ लेंगे, धूप में सुखा देंगे, और फिर देन इसका पाउडर बना के दूध में मिक्स करके पी सकते हैं, या फिर थोड़ा सा वार्म वाटर में भी मिक्स करके आप पी सकते हैं। इसका जो रस होता है, बच्चों को सुबह एक ही टाइम देना चाहिए, बड़े भले इसे 2 टाइम ले सकते हैं। ये एक्चुअली में आपका शुगर के पेशेंट के लिए भी बहुत ही लाभदायक होता है। प्लस अगर आप इसका सेवन कंटिन्यू करते जाएंगे, जिसका हेयर प्रॉब्लम होता है या डैंड्रफ प्रॉब्लम होता है, उसका भी बहुत इसका बेनिफिट मिलता है इसका सेवन करने से। बहुत लोग इसका सब्जी बना के भी खाते हैं, वो भी लाभदायक होता है अगर आप खा सकते हैं तो। बट उसका नॉर्मल जैसे खाते हैं, ज़्यादा मसाला वसाला नहीं, उस टाइप का मेडिसिनल तौर पे ही बना के खा सकते हैं। रहा सवाल, ये मार्केट में भी आपको पाउडर के रूप में मिल जाता है, जहाँ पे हर्बल शॉप वगैरह होते हैं या आयुर्वेदिक जो मेडिसिनल पाया जाता है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसमें बहुत टाइप के आपके एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, एंटी डायबिटिक कंटेंट पाया जाता है। तो इसका सेवन करने से आपके कुल मिला के बात करें तो बहुत सारी बीमारियां दूर होती है। खाली ऐसा नहीं कि इसका बुद्धिवर्धक बोला जाता है तो बुद्धि का ही विकास होगा, इससे आपका शुगर पेशेंट जितने होते हैं उनको भी बहुत लाभ मिलता है इसके सेवन से। क्योंकि जो पत्ते होते हैं इनमें ऑलरेडी इसमें शुगर को कम करने के गुण पाए जाते हैं, तो इसका सेवन करना बहुत ही लाभदायक होता है। आप इसको घर में ऐसे ही लगा सकते हैं गमले में, और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा घना हुआ है प्लांट। अगर आप इस तरीके से लगाएंगे आसानी से ग्रो हो जाएगा, आप रोज़ इसका सेवन कर सकते हैं। सो हे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, सो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन आते रहेगी फर्स्ट वीडियो की। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। बाय बाय।